हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो है पोंगल, जिसको हम वाटर कलर में बनाएंगे। इसे आपको देखना है कि मैं कैसे बना रहा हूँ, तो फिर आपको भी वैसे ही इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। पहले हम सीट को क्या कर लेते हैं, वॉश कर लेते हैं। ब्रश से सीट को वॉश करना है। वॉश करने से ये होता है कि जब हम कलर कर रहे हैं तो हमें टेक्सचर नहीं आए, तो उसके लिए हम इस सीट को वॉश कर लेते हैं, है ना। अब ये सीट हमारी ब्रश से हमने इसको वॉश कर लिया। अब ये जब तक सूख जाएगी, सूखने बाद में हम इसमें कलर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब इसमें हम पहले सीट पे कलर यूज़ कर रहे हैं, येलो कलर। जो बैकग्राउंड है और लेडी है, उसके यूनिफॉर्म है, उसके अंदर येलो कलर है। आपको वाटर कलर ले सकते हो या पोस्टर कलर भी यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। तो हमने येलो कलर यहाँ पे यूज़ किया। और फिर यहाँ पे और इस साइड इसमें आपको पानी ज़्यादा करना है और कलर कम यूज में लेना है। ये हो गया येलो कलर बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के बाद हम जो लेडी का है उसमें भी येलो कलर है और ये थर्मस है, इसके अंदर भी हमने येलो कलर किया। जहाँ पे भी येलो कलर है पहले हम येलो कलर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद बाकी वाला बाद में। और फिर ज्वेलरी है जो गोल्डन कलर में है, उसको भी हमने येलो कलर किया। ठीक है। और फिर यहाँ पोंगल लिखा हुआ है, जो एन बना हुआ है उसके अंदर भी येलो कलर। ठीक है। फिर ऑक्स है, ऑक्स के जो गले में है वो है बेल्स, जिसको भी हमने येलो कलर। ठीक है। और फिर है सन, जिसको भी येलो कलर में। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है ग्रीन कलर। जहाँ पे भी ग्रीन कलर किया हुआ है वहाँ पे हम ग्रीन कलर यूज करते हैं। इसमें ग्रीन है लाइट ग्रीन, फिर है डार्क ग्रीन, जैसे फर्स्ट इसमें हो गया, फिर सेकंड जो ग्रेप्स है पीछे घास वो वाली हो गई,
जिसमें हमें सिंपल सा एक कलर करना पहले, फिर हमें डार्क कलर से उसके अंदर लाइनें कर देंगे तो घास का शेप आ जाएगा। ठीक है, अब यूज़ करना हमें डार्क ग्रीन, जो पीछे की जो लीव्स हैं उसके अंदर। और साथ में येलो कलर भी है जो हमने ऊपर की साइड से लाइट टोन लगा लें। फिर वापस वही चीज़ है, इसको मिक्स करते हुए ग्रीन इसमें आपको बिल्कुल लाइटली कलर लगाना है, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल डार्क कलर यूज़ करो। डार्क कलर आपको यूज़ नहीं करना है, ओनली वो लाइट कलर यूज़ करके इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये हमारा हो गया बैकग्राउंड वाला। अब कलर यूज़ कर रहे हैं हम लाइट कलर। जो सन है, सन के साइड की जो रोशनी का है उसको हम इसमें जहाँ पे भी रेड कलर यूज़ हो रहा है वो रेड कलर हम यूज़ कर लें। येलो आकर और ग्रीन को मिक्स करके जो गन्ना है उसका हमने टोन दे दिया। येलो और ग्रीन को मिक्स करके हल्का टोन हमने यहाँ पे लिया।
ठीक है। और हल्का ग्रीन ने फिर वापस यहाँ पे यूज़ करके इसको पूरा लाइटली फैला दिया। डार्क ग्रीन एल पिंक कलर से पी बना दिया और ये वाइट का वाइट हो गया। अब ब्लू कलर से लिख लिया हमने हैप्पी। ठीक है। अब ब्राउन कलर और येलो होकर मिक्स करके इसको ये हो गया है ये कंप्लीट। ठीक है। अब ब्लू कलर पस पिंक इस तरह से हमारा ड्राइंग हो गया है कंप्लीट। आपको भी इसको देख के कंप्लीट करना है। ठीक है। जो ग्रीन लाइन थी वो हल्की हल्की यहाँ पे ब्लू और जो लेडी है उसके हेयर से वो है ब्लैक कलर में, जिसको हम कलर कर रहे हैं ब्लू और ब्राउन मिक्स करके ब्लैक का शेड देके उसको कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। इस तरह से आपकी ड्राइंग ऐसे कंप्लीट होती है। अब इसको क्या करना है, जो ब्लैक कलर लेना है या ब्लैक पेन यूज लेना है और उसको ऊपर आउटलाइन करनी है। जब हम आउटलाइन करेंगे तो जैसा हमने ड्राइंग बना हुआ है हमारा वो वैसा ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है।